हमारे साथ यास्मीन फारूकी हैं, सचिव एसडीपीआई की, अपराजिता सारंगी हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, निगत अब्बास सोशल एक्टिविस्ट हैं, हाजिद खान इस्लामिक स्कॉलर हैं, अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए फरहान साहेब हमारे साथ हैं। फरहान साहेब, विधान बड़ा, देश का संविधान बड़ा या पर्सनल लॉ? फरहान साहब आवाज आ रही है? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यास्मीन फारूकी मैम, यही सवाल मेरा आपसे भी है मैम। देखिए अदिति जी, अभी आपने क्या कहा कि उस लड़की ने अपनी मर्जी से शादी करनी चाहिए, पेरेंट्स ने नहीं की। पेरेंट्स तो अगेंस्ट गए कि 15 साल की बच्ची की शादी, और ये फैक्ट है कि कोई भी समझदार पेरेंट्स अपने माँ बाप बच्ची की शादी 18 से पहले नहीं करते। सब पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। अब वो तो ये वाली बात है कि आप खुद ही भाग करके बैठ जाओ तो इसका किसी के पास क्या इलाज है। कानून अलग बात है, लेकिन नॉर्मली आज की तारीख में सब अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं और अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। इससे ही साबित हो गया कि वो बच्ची के माँ बाप ही गए कोर्ट सीधे से कि साहब ये नहीं होना चाहिए। फिर तो मैं बच्ची बहुत अच्छी ने बात अपनी फैसला खुद किया है, तो अब ये आजकल के बच्चों का तो दिमाग खुद का है ना। ना मैम, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है ना। जब इस बात को लेकर अंडरस्टैंडिंग ही है तो फिर पर्सनल लॉ में इसकी गुंजाइश है। फिर इस पर अगर क्लियर है, एकदम क्लैरिटी आ जाती है कि कोई भी 18 वर्ष से नीचे अपनी बेटी का, अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकता, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अदिति, प्रॉब्लम कभी कभी इस तरह की हो जाती है कि मजबूर हो जाता है आदमी। नहीं तो आप में एनालिसिस कर लिए आजकल 15 साल की बच्चियों के, भाई या तो वो जाहिल लोग हैं, रिक्शा तांगे वाले हैं, या बिल्कुल समझते ही नहीं इन बातों को, वो एक अलग मैटर है। तो ट्राइबल में भी यही चल रहा है, आपको पता है, छोटी छोटी उम्रों में शादियां। आज ही अखबार में, हमारे राजस्थान के अखबार में था कि बच्ची ने अपने आप को जला दिया क्योंकि उनको छोटी उम्र में शादी हुई थी, वो उनको फिर विदा करना चाहते थे, उसने मना कर दिया था, और वो कोई मुस्लिम बच्ची नहीं थी। तो देखिए, लॉ बना दीजिए आप, लॉ बनाने से कुछ भी नहीं होता है। हमें समाज को बदलना होगा और हमें समाज में वो चीज फैलानी होगी कि भाई ये चीज गलत है, इसको मत करो। आप लॉ बना दीजिए, जिन्हें करना है कर रहे हैं। लॉ हिंदू लॉ में तो है ना, जिस बात की मैं बात कर रही हूँ, आज जो पत्रिका में मैंने पढ़ा था, हमारे न्यूज़पेपर में था, वो हिंदू ही बच्ची थी बेचारी, उसने कुछ खा पी लिया कि मुझे नीच करना इस आदमी से शादी, 10 साल की उम्र में शादी। लेकिन मैं, मेरा सवाल वही है, तो भी मैं, तो आप, जो मेरा सवाल है, लॉ बनाने से क्या होता है? लॉ बनाने से लॉ क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे समझ नहीं आया। लॉ बनाने से अगर क्लैरिटी मिलती है, लॉ बनाने से अगर किसी के, लॉ का काम सिर्फ सजा देना नहीं है, लॉ का काम प्रिवेंशन भी है, लॉ का काम रोकना भी है। लॉ का काम सिर्फ सजा दिलाना नहीं है। मैं एक कमेंट ले लेती हूँ सारे पैनलिस्ट का, मैं वापस आपको फ्लोर दूंगी। फरहान साहब, देश का विधान बड़ा या पर्सनल लॉ में डिस्काउंट? देखिए अदिति जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से, नहीं मैं आपको दूंगी फ्लो, इनका कमेंट पूरा हो जाए उसके बाद। देखिए ऐसा, अदिति जी मेरी आवाज आप तक आ रही है ना? जी जी, आवाज आ रही है मुझ तक। देखिए आदित्य जी, जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो ज्यादा बेहतर थी, इसमें अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत ऐसी पड़ गई। दूसरी चीज, आज की डेट में बेटियां पढ़ रही हैं, पढ़ने के बाद फिर शादी और विवाह की बात होती है, और आज की डेट में बच्चियां आज पढ़ करके आईएएस बन रही, आईपीएस बन रही, तमाम क्षेत्रों में नाम रोशन कर रही हैं, और आप देखते होंगे पढ़ते पढ़ते उनकी 27, 28, 29, 30 हो जाती है, तब उसके बाद जाकर शादी हो रही है। तो ये 18 और 21 का जो चक्कर पाल के देश को गुमराह करना ठीक नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा कोई लॉ बनाया जाए, एक इस पर बहस होनी चाहिए कि जो देश का नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उस पर एक ऐसा कोई नियम बन जाए कि ये जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता, कम से कम उनको गुजारा भत्ते के तौर पर उनको सरकार कुछ अनुदान राशि दे, जिससे अपनी जीविका उपार्जन को आसानी से वो चला सके। नहीं, लेकिन आपको आपको नौजवान के भत्ते की याद आ गई सर इस मुद्दे में? मैंने आपसे क्या पूछा? आप जब खुद ही मान रहे हैं कि भाई अब तो 27-28 साल से पहले शादी नहीं होती, आप ही ने कहा ना ये? जी मैंने कहा है। ठीक है, तो फिर मैंडेटरी बना दीजिए उस लॉ को जिसमें 18 वर्ष से पहले बेटी की शादी नहीं हो सकती, उसको मैंडेटरी बनाने में फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहाँ दिक्कत है फिर? कोई दिक्कत नहीं, आप समर्थन में है ना?
अच्छा देखिए, जो कानून 18 वर्ष के बच्चों वाला था उसमें तो क्या नाम है, वो नियम जो था वो चल ही रहा है, उसमें कहीं कोई रोक टोक या कोई, इस पर आप प्रतिक्रिया? अरे भाई, जो नहीं पर्सनल लॉ के नाम पर डिस्काउंट मांगते हैं भाई, आप लोग तो ऐसे बातें कर रहे हैं कि जैसे होता नहीं है, ऐसा हो नहीं रहा है। मैं कह रही हूँ पर्सनल लॉ पर जो डिस्काउंट मांगते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए, वो खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? बस मैं इतना पूछ रही हूँ आपसे। देखिए देखिए, शरीयत को नहीं खत्म कर सकते, संविधान के आधार पर जब देश चल रहा है, और हम शरीयत को भी मानते हैं और संविधान को भी मानते हैं। अगर संविधान ने ये चीज बना रखी है कि 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों की शादी नहीं की जा सकती है, और ये विधान को पूरी तरीके से आज देश में लागू है, पूरी तरीके से हर व्यक्ति इसको मानने को तैयार है, हर समाज का व्यक्ति मानने को तैयार है, तो सिर्फ एक मुस्लिम समाज को टारगेट बना के इस पर काम करने की क्या आवश्यकता है? इसमें छेड़छाड़ करने की क्या आवश्यकता कि 18 नहीं 21, इससे क्या हो जाएगा? नहीं, इसमें टारगेट करने की बात कहां से आ गई? इसमें टारगेट करने की बात कहां से आ गई? निगत अब्बास, एक सेकेंड जवाब ले लीजिए। कह रहे टारगेट करने की बात कहां से आ गई, जब ये खुद ही कह रहे हैं 27-28 वर्ष की उम्र में शादी होती है, तो जब 27-28 वर्ष की उम्र में शादी हो रही, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। निगत अब्बास जी, थैंक यू आदित्य जी। यास्मीन जी की और भाई साहब की बातें सुन के मुझे वो पुराना दिल तो पागल है क्या गाना याद आ गया, जिसके लव्स में थोड़ा सा बदलूंगी, कि कहते हैं ना भाई, भोली सी बातें आंखों में शरीयत, दूर खड़े दे संविधान की दुहाई, हाय हाय। कितने भोले हैं, कितने नादान हैं ये लोग जो कह रहे हैं तो बच्चों की मर्जी है। यास्मीन जी जो इतनी वरिष्ठ हैं, उम्र में भी हमसे बहुत, तजुर्बा भी ज्यादा है, उम्र भी ज्यादा है, वो आज ये बात कह रहे हैं तो बच्चों की मर्जी है, बच्चों ने खुद कर ली 15 साल की उम्र में शादी, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें माँ बाप क्या करेंगे? बच्चे ने इसलिए कर दी मेरी बहन शादी, इसलिए कर ली उन्होंने 15 साल में, क्योंकि आपने उन्हें आजादी दे दी, क्योंकि बचपन से उन्हें पता था कि अगर मैं 15 साल की उम्र में शादी कर लूंगी तो शरीयत इस चीज की मुझे इजाजत देता है कि मैं पढ़ाई को ठोकर मार दूं, अपने करियर को, अपने जीवन को ठोकर मार दूं, लेकिन पढ़ाई छोड़कर शादी कर लूं, क्योंकि शरीयत आपको आजादी देता है कि एक लड़के को 4 शादी कर लेना अलाउड है। कोई बात नहीं, संविधान दे या ना दे क्या फर्क पड़ता है, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ना, जैसे कि आदिति ने कहा डिस्काउंट लेने के लिए, कि आप शरीयत के लिए आप अलाउड कर देते हैं ना 4 शादियां। अरे तो क्या हुआ अगर हिंदू भाई बहन, अगर वो हिंदू जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, अगर वो तलाक लेना चाहते हैं, उन्हें कोर्ट के धक्के खाने पड़ते तो क्या हुआ? हम तो तलाक 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 बोलकर तलाक ले सकते हैं ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये शरीयत के नाम पर बच्चों को बचपन से गुमराह करते आए, एक ऐसी एजुकेशन का हिस्सा बनाते आए हैं, जिसकी वजह से आज न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। आदिति, ये बहुत ही संगीन चीज है, जो बच्चों को उम्र का पता ही नहीं है। 18 साल से उम्र, मेरा तो ये मानना है 21 साल की उम्र होनी चाहिए शादी की कम से कम, जिसमें आप माता पिता के साथ उनकी इजाजत के साथ शादी करिए, वरना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो ये ठोकर मारते रहेंगे, बच्चे जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे। आज एक बेटी ने, 15 साल की एक बच्ची ने, मासूम बच्ची, क्या उम्र होती है उसकी, आज के बच्चों को देखो तो क्या जानते हैं वो, आज उसने शादी कर ली और यहाँ पर बैठकर ये दुहाई दे रहे हैं कि संविधान है तो क्या हुआ, 15 साल की कर सकते हैं क्योंकि शरीयत है ना, ठीक है, आज जिंदगी बर्बाद करने का अलाउ करता है तो आप कर लेने दीजिए, ठीक है। हाजी खान, क्या कह रही है आप? निगत अब्बास, सवाल वही है, कानून है तो सब पे लागू हो। देखिए मैडम, हमारे मुल्क में जो है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यहाँ हिंदू महिलाएं, हिंदू बच्चियां, हमारी बहनें 15-17 साल की उम्र में सैकड़ों शादी कर लेती है, एक नहीं सैकड़ों और हजारों की तादाद में। निगत अब्बास जो बैठी हुई है ना, ना इन्हें शरीयत मालूम कि उन्हें इनके पढ़ी लिखी है, इन्हें तो शरीयत मालूम नहीं। वो जो शादी कर रही है, जिसको इल्म नहीं, जिसको दीन नहीं सुना, जिसने उसके ऊपर शर्तियत थोपी जा रही है। मैं ये कहता हूँ कि लड़की की उम्र असल शादी की जो है 16 साल से 30 साल के बीच की है, और इसी 30 साल में जब वो शादी करते हैं तभी उनके बच्चे हो जाते हैं, और जो 40 साल और 45 साल में शादी करते हैं ना, तो उनके ना बच्चे होते हैं। एक सिस्टम बनाया कुदरत ने, लड़की को फूल के मानिंद है।